हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक ऐसे कॉइन की जिसके अगर हम प्राइस की बात करें लास्ट 30 डेज में उसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहां पर 237% तक इंक्रीज हुआ है। उसके साथ अगर हम लास्ट 7 डेज की बात करें 120% तक इंक्रीज हुआ है। मतलब लगातार यहां पर इसके प्राइस में जो बड़ा मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अभी भी अगर आप इसमें 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कॉइन जो है वो करोड़ों की संख्या में मिलने वाला है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो पार्टनरशिप्स है इनके इकोसिस्टम में हो रहे हैं, काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है। कौन सा कॉइन है और कहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपको क्या इस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉइन की, जिसका नाम है बेबी डॉज कॉइन, जो आ चुका है टॉप 100 में मार्केट कैप के बेसिस पर। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 90 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर हम कॉइन जेको की बात करें इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं नंबर 90 पर आ चुका है। मतलब एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर माइलस्टोन आप देख सकते हैं, क्योंकि एक समय रैंक काफ़ी ज़्यादा थी, 200 300 के आसपास भी था, 150 के आसपास भी था। अभी यहाँ पर 100 के अंदर आ चुका है और प्राइस की अगर हम बात करें 0.000028 के लेवल पर पहुंच चुका है। वॉच लिस्ट यहाँ पर कॉइन जेको पर अगर आप देखेंगे लगभग 1,54,000 से ऊपर है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर लास्ट 30 डेज में प्राइस देखें 0.000009 के लेवल पर था, मतलब 7 जीरो यहाँ पर INR में थे और 8 और 9 के लेवल पर ये बना हुआ था। यहाँ से जो पंप देखने को मिला उसके बाद जो प्राइस है वो लगातार यहाँ पर ग्रो करता गया और 0.00001 का जो लेवल है उसको इसने क्रॉस किया। और उसके बाद ऑलमोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं रैली रुकते हुए नज़र नहीं आ रही है। अब यहां पर जो नेक्स्ट टारगेट है कहीं ना कहीं वो 3 का लेवल है, जिससे भी ये हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अगर हम यहां पर लास्ट 30 डेज में इसके रिटर्न की बात करें, कितना यहां पर प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है, 237% प्रॉफिट यहां पर निकाल कर दिया हुआ है। और अभी भी अगर आप यहां पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में यहां पर जो बेबी डॉज कॉइन है वो आपको अभी मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम यहां पर ऑल टाइम हाई की बात करें कॉइन जेको पर, ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं जनवरी 16 में इसने क्रिएट किया था, जिससे अगर हम देखें अभी 40% कम चल रहा है। मतलब 47 का जो लेवल है उसको ये हिट करके आया। मतलब जो लास्ट ईयर था 2022 उसमें बेबी डॉज कॉइन में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। और अभी की अगर हम बात करें फिर से यहाँ पर जो जनवरी फरवरी का मंथ है कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है बेबी डॉज कॉइन की। उसके साथ ही अगर हम CMC पर देखें 214 नंबर पर ये रैंक कर रहा है। वॉच लिस्ट यहाँ पर 3,86,000 से ऊपर है। अगर हम यहाँ पर होल्डर्स की संख्या की बात करें, होल्डर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.7 मिलियन के आसपास जो होल्डर्स है वो आपको बेबी डॉज कॉइन के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मार्केट्स पर अवेलेबल है, कहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे मार्केट्स है जहाँ पर ये मिल जाएगा, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी मेजर एक्सचेंजेस है जिन पर ये अवेलेबल नहीं हुआ है। OKX पर मिल जाएगा, Gate.io, UB, इसके अलावा BitGate पर अवेलेबल है, L-Bank पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, MEXC पर भी अवेलेबल है और USDT के पेयर में आपको यहाँ पर ये टोकन मिल जाएगा इन एक्सचेंजेस पर, जहाँ पर जाकर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन एक्सचेंजेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप इन एक्सचेंजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर इनके इकोसिस्टम में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम आ जाते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर। जो ट्विटर हैंडल है उस पर लगभग 1.7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, फॉलोअर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। और अगर हम बाइनेंस फीड पर देखें, बाइनेंस ने यहाँ पर जो अपनी लिस्ट है टॉप कॉइन्स की, ऑल्ट कॉइन्स की, उनको यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जिसमें बाइनेंस पर ये लगातार ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। और शिबा इनू कॉइन को भी यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन ने पीछे कर दिया है। यहाँ पर आप जो ऑल्ट कॉइन की लिस्ट है बाइनेंस के द्वारा शेयर की गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं binance.com की तरफ से, जिसमें बेबी डॉज कॉइन टॉप पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर शिबा इनू को भी बीट किया हुआ है और BTC को भी यहाँ पर पीछे किया हुआ है, नंबर 1 पर है। प्राइस आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का या लास्ट 30 डेज का लगातार ग्रो हो रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट $386 मिलियन का हो चुका है और वॉल्यूम भी लगभग यहाँ पर $34.47 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब लगातार यहाँ पर अगर हम देखें ये कॉइन टॉप पर बना हुआ है, बाइनेंस पर अभी तक ये अवेलेबल नहीं हुआ है। चांसेस यहाँ पर है आने वाले टाइम में अगर बाइनेंस इसे लिस्ट करता है, क्योंकि BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बेस्ड ये कॉइन है और सोशल मीडिया पर अगर हम देखें टॉप पर देखने को मिलेगा। चाहे अगर हम टॉप गेनर की बात करें BSC मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, या फिर उसके अलावा इसकी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बर्निंग की बात भी करें, लास्ट 24 आवर्स में $1,44,000 की जो बर्निंग है बेबी डॉज कॉइन की वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। और बेबी डॉज स्वैप का यहाँ पर एक और बड़ा माइलस्टोन देख सकते हैं, जहां पर जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $60 मिलियन के क्रॉस हो चुकी है। ये भी एक काफी बड़ा माइलस्टोन है जहां पर इसने शिबा स्वैप को पीछे किया हुआ है। इसके अलावा यहां पर एक और बड़ी अपडेट है जो इसके बर्न पोर्टल से जुड़ी है। और अगर हम बर्न पोर्टल की बात करें
ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्न पोर्टल को 5 दिन बाकी है जिसमें इनके द्वारा ये बर्न पोर्टल रिलीज किया जाएगा, जिसकी भी काफ़ी ज़्यादा हाइप देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर OKX वॉलेट के साथ जो इंटीग्रेशन है वो बेबी डॉट स्वैप का देखने को मिला है। अगर हम OKX की बात करें, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारे यूज़र्स है जो यहाँ पर OKX वॉलेट से जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 20 मिलियन यूज़र्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं 100 डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं इस वॉलेट का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है बेबी डॉट कॉइन को। तो इस वजह से अगर हम देखें यहाँ पर प्राइस लगातार मूव कर रहा है अपर साइड में, और उसके साथ ही लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेकिन फिर भी US मार्केट आज थोड़ा डाउन में, इस वजह से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें ऑल कॉइन्स और मीम कॉइन्स में देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर करेक्शन का वेट करना है, उसी के बाद इसमें इन्वेस्ट करना है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। थैंक यू।